तो ये देखिए, आपको देखने से लग रहा हो कि ये अपने घर में बना हुआ लड्डू है, बिल्कुल देखने से लग रहा हो कि इसे किसी हलवाई ने बनाया है। तो आप भी इस तरीके से लड्डू अपने घर में बना सकते हैं, वो भी फ्रेश नारियल के। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, राजीव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने एक मीडियम साइज का नारियल लिया है, उसका हमने छिलका नहीं निकाला है। आप चाहे तो छिलका निकाल के भी बना सकते हैं, लेकिन हमने नेचुरली तरीके से बनाया है। और कुछ इस प्रकार से इसे हम ग्राइंड करेंगे, कुछ इस प्रकार के बर्तन होते हैं ग्राइंड करने के। तो ये मोटे वाले छिद्र से हम नहीं करेंगे, छोटे वाले जो छिद्र हैं उसमें से करेंगे। आप चाहे तो बड़े वाले छिद्र में भी करके बना सकते हैं, लेकिन छोटे वाले का ज़्यादा स्टैंडर्ड लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका टेक्सचर भी पतला और ये अच्छे से भुना भी जाता है। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा टेक्सचर है इस तरीके से करने से। तो लगातार आप इसी तरीके से करेंगे। और सारे नारियल को हमने कुछ इसी प्रकार से ग्राइंड करके इसे अच्छे से इसे बना लिया है। तो ये देखिए फाइनली हमारा सारा नारियल ग्राइंड हो गया है और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हलवाई जो बनाते हैं बाज़ार में, कुछ उस तरीके का इसका टेक्सचर बन गया है। और सारे ग्राइंड किए हुए नारियल को हम एक प्लेट में डाल देंगे और इसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो इसके लिए हमने चीनी नारियल के वजन के हिसाब से ही लेंगे, जितना नारियल का वजन होगा उतना ही हमने चीनी लिया है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस फ्रेंड। तो उसके लिए हमने एक तवा लिया है, उसमें थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल दिया है। आप चाहे तो घी में भी इसे बना सकते हैं, हमने अभी फ़िलहाल इसे रिफाइंड ऑयल में भी बनाया। घी में बनाएंगे तो ज़्यादा इसका टेस्ट लगेगा। तो देखिए थोड़ा सा तेल हमारा गर्म हो गया है और इसी बीच हम सारा ग्राइंड किया हुआ नारियल इसमें डालेंगे और इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे, ताकि इसका जो है थोड़ा कच्चापन निकल जाए और इसमें जो थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजर है तो वो सूख जाए अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा इसमें मॉइस्चर अच्छा नहीं लगता है। तो इसे केवल मॉइस्चर को हमें सुखाना है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं सूखेगा तो ये हमारा जो ग्राइंड किया हुआ नारियल है उसके अलग अलग दाने नहीं बनेंगे, तो फिर खाने में भी उतना बढ़िया नहीं लगेगा। और थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद इसका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल फाइनली हमारा, ये देखिए अच्छे से हमने इसे हल्का रोस्ट कर लिया है। तो बिल्कुल इसके दाने जितने भी बिल्कुल खिले खिले से निकल गए हैं बन के। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने जो चीनी लिया था उस चीनी को हम उसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो जितना हमने चीनी दिया है उसका आधा हम पानी डालेंगे, लगभग आधा, और इसे हम लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे चाशनी को। और चाशनी को हमें पतला नहीं रखना है, थोड़ी सी गाढ़ी ही रखेंगे। और आपकी चाशनी यदि ज़्यादा पतली हो तो आप उसे बिल्कुल ज़्यादा पका के इसे गाढ़ी कर सकते हैं। तो देखिए चाशनी का जो हमारा टेक्सचर होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि आपको देखने से, ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा चाशनी बनके तैयार हो गया है। और थोड़ी बहुत यदि पतली रह भी जाती है तो हम इसे नारियल को डालने के बाद थोड़ी सी पका लेंगे, ताकि हमारी चाशनी जो अच्छे से सूख जाए और ज़्यादा गीली ना रहे। तो देखिए सारे नारियल को हमने डाल के इसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद देखेंगे कि इसका टेक्सचर किस प्रकार से है। तो ज़्यादा आपको पतला लगे चाशनी तो आप इस स्टेज पे भी थोड़ा सा पका सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से पकाएंगे भी तो आपको टेस्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो आप चाहे तो पका के इसे यहीं पे सुखा लें। तो इसी तरीके से आप लगातार इसे चला के अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए थोड़ी सी पतली रह गई हमारी चाशनी, तो अब हम इसे भी थोड़ा पका लेंगे। और पकाने के बाद ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसका टेक्सचर है, तो बिल्कुल सूख गई है। और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे तब हम इसका लड्डू तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने पंखे के नीचे इसे लगभग 10 मिनट तक हमने सुखाया है। और सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका टेक्सचर बन के तैयार हो गया। ये देखिए अब ये लड्डू बनने के फॉर्म में आ गया है। तो आपको देखने से लग गया होगा कि इसका लड्डू अब तैयार हो सकता है। तो इसी प्रकार से हमें इसका टेक्सचर रखना है, कहने का मतलब है कि ज़्यादा गीला नहीं रखना है हमें। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने पंखे के हवा में इसे सुखाने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका टेक्सचर तैयार हुआ। तब हम हल्के हाथों से इसे इस प्रकार से इसे इसका शेप देंगे लड्डू का। आप चाहे तो हाथों में थोड़ा सा घी का
ग्रीसिंग भी कर सकते हैं ताकि हमारा लड्डू अच्छे से चिपके ना हाथों में और ये लड्डू अच्छे से बन जाए। लेकिन यहाँ पे बगैर हमने ऑयल का ही लड्डू इसे बांध के तैयार कर लिया है। तो कैसी लगी ये लड्डू फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए फाइनली हमारा लड्डू बन के तैयार है। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर बनाएँ और अपने बच्चों को खिलाएँ और ख़ुद खाएँ, और चाहे तो अपने मेहमान को भी इसे खिला सकते हैं। तो ये फाइनली इस तरीके से लड्डू बनके तैयार है। तो हम देखिए हमने एक नारियल से लगभग 7 से 8 लड्डू, अभी बड़े साइज का लड्डू हमने तैयार किया है। तो इसे छोटे लड्डू करेंगे तो 10 से 12 लड्डू आप आसान तरीके से बना सकते हैं। तो कैसी लगी ये नारियल के लड्डू की रेसिपी फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देखने को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय जय भारत।